नमस्कार साथियों, दो तीन चुनाव हुए हैं। तीन चुनाव में जो है बीजेपी की एक चुनाव सिर्फ जीत हुई है और बाकी दो चुनाव में हार हुई है। जब से हारी है तब से पूरी तरह से बौखलाई हुई है। काफ़ी पुराना एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं अमित शाह का, जिसमें यह आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं संजय सिंह, जिनको हड़का रहे हैं और बोल रहे हैं कि आ जाइए MCD के चुनाव में और एक एक हाथ हो जाए। दरअसल किसी पार्टी में जो है या किसी जगह पर जो है एक रैली में उन्होंने सांसद जो है संजय सिंह इन्होंने बोला कि इन्होंने रैली में बोला था कि इस बार जो है MCD का चुनाव हम जीत कर दिखाएंगे और BJP के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए अमित शाह ने बोला संसद में आज लगभग 3-4 महीना जो है पहले की एक वीडियो है, जिसमें उन्होंने बोला था संजय जी आइए और एक एक हाथ कर लिया जाए और जनता को जो है आजमा कर देख लिया जाए। तो उन्होंने यह वीडियो कौन सा बोला था, इस वीडियो को एक बारी आप लोग जरूर से सुनिए। देखिए इसमें जो है अमित शाह किस तरह से संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं उनको किस तरह से जो है यह हरका रहे हैं और किस तरह से उनके लिए जो है चेतावनियाँ भरी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा इस वीडियो को गौरपूर्वक और ध्यानपूर्वक जो है आप लोग सुनिए, देखिए। नगर निगम का चुनाव आ रहा है, जनता का ही माम हो जाए और आप पार्टी को वोट दे। संजय भाई ऐसे स्वप्न कभी पूरे नहीं होंगे, जनता सब जानती है। जब ये एकीकरण हो जाए, डिलिमिटेशन हो जाए, आ जाइएगा चुनाव के मैदान में, कर लगेंगे दो दो हाथ, कोई नहीं डरता जी। उन्होंने कहा कि फोबिया हो गया है। अरे भाई फोबिया कैसे होगा, किसको होगा? आप हमारी डिपॉजिट जमानत का आधा डेटा लेकर आए, मैं दे देता हूं। बहुत इससे भी ज्यादा गई है हमारी जमानत, कोई नई बात नहीं है। मगर एक म्युनिसिपालिटी जीतकर हम ऐसा नहीं कहते थे कांग्रेस को हमारा फोबिया हो गया है, ऐसा अहंकार हम नहीं पालते थे। हम भी देखे हैं समय भाई, बोटाद में हमारी म्युनिसिपालिटी जनसंघ जीत गई तो आनंद हो जाता था, कह रहे भाई चलो एक बार म्युनिसिपालिटी जीत गए। परंतु बाद में यहां आकर अटल जी ये नहीं कहते थे कि जवाहरलाल जी आपको अटल बिहारी वाजपेयी का फोबिया हो गया। मान्यवर इस चुनाव में ऐसा क्या परिणाम आया है, क्या परिणाम ऐसा आया जिससे हम डरे? मैं बताता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर उनको 0.38% वोट मिला है आप पार्टी, और 349 डिपॉजिट जब्त हो गए और 306 जगह नोटा से भी कम वोट मिला है। नहीं, मैं फोबिया का जवाब दे रहा हूं रमेश भाई, हमें फोबिया होने का कोई कारण ही नहीं है। मैं जवाब देता हूं पूरा, उत्तराखंड में 68 जमानत जब्त हो गई 70 में से। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से जो है अमित शाह फोबिया जो कोई बीमारी है कुत्ते के काटने उठने से, पता नहीं कौन कौन सा बीमारी होता है या होता है, तो वो जो है बता रहे हैं जनता को नहीं हुए हैं और बता रहे हैं कि इस बार जो है आइए फील्ड में दो दो हाथ कर लिया जाए। MCD का चुनाव अभी हुआ है दिल्ली में और जैसे हुआ है नतीजा पलट गया है और इस समय जो है आम आदमी पार्टी की जो है जीत हुई है, वो भी अच्छे बहुमत से। जब जीत हो गई तो संजय सिंह का आ गया बयान, थोड़ा इनका बयान भी आप लोग सुनिए किस तरह से इन्होंने अपना उनके लिए एक जो है तीखा प्रहार करते हुए अमित शाह को चेताया है, किस तरह से देख लीजिए और किस तरह से ये बता रहे हैं कि एक राज्य स्तरीय पार्टी जो थी अब अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और इसमें जनता का बहुत बहुत आभार है। ये तमाम चीज़ें जो है देखिए किस तरह से जो है जनता के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा इस वीडियो को देखिए। आज से जो है आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी हो गई, चूँकि उसने गुजरात में 4 सीटें जो है निकाली है और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ सीटें उसके निकले हैं, लगभग 2 सीटें निकली हैं। तो इस तरह से जो है यह एक अब राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर रही है। थोड़ा इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए। तो कोई भी राजनीतिक दल चुनाव हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता, सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती हैं। और जहां तक राजनीतिक दलों के दावे का प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में मुझे 6 महीने पहले चुनौती दी थी कि MCD के चुनाव में आना, दो दो हाथ कर लेंगे। दो दो हाथ हो गया, दिल्ली की जनता ने फैसला भी सुना दिया।
तो दावा गलत हुआ ना गृह मंत्री जी का। गृह मंत्री जी ने 2020 में भी दिल्ली जीतने का दावा किया था, गलत हुआ। बंगाल में चुनाव जीतने का दावा किया था, गलत हुआ। महाराष्ट्र में चुनाव जीतने का दावा किया था, गलत हुआ। बिहार में चुनाव जीतने का दावा किया था, गलत हुआ। 2018 से लेकर अभी तक मैं देख रहा था, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 11 चुनावों में जो जो दावे किए, सारे के सारे दावे गलत हुए। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2016 में बंगाल का चुनाव लड़े, 3 सीट आई उनकी, 16 छोड़ दीजिए आप। अभी आंध्र प्रदेश का चुनाव हुआ, 173 सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2019 में चुनाव लड़ी और पूरी मेहनत की उसने, पूरी ताकत लगाई, प्रधानमंत्री जी ने कई रैलियां की और पूरे आंध्र प्रदेश में 173 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई। 0.8% वोट आया, 1% से भी कम वोट आया। तो गुजरात का फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राज्यों के चुनाव परिणाम की दृष्टि से भी आप देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़े साहस। भारत माता की। राष्ट्रीय पार्टी बनने के क्या फायदे होंगे ये अभी आपको गोपाल राय जी और पंकज गुप्ता जी समझाएंगे, लेकिन कम से कम आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो टोपी पहन के कार्यालयों में जाता था और हमें उपेक्षा की भाव से देखा जाता था, अरे यूटी की पार्टी हो आप लोग दिल्ली वाले। आज देश की जनता ने कहा हम सिर्फ यूटी तक सीमित नहीं है, पंजाब तक सीमित नहीं है, हम पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। भारत माता की। आम आदमी पार्टी। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से देश की जनता को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपके प्यार और आशीर्वाद से आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। अब इसको पूरे देश में विस्तार करना है और आम आदमी पार्टी का परचम धीरे धीरे करके हर राज्य में फहराना है। जनता की सेवा का संकल्प लेकर हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। फिर से आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को हृदय से बधाई, हृदय से शुभकामनाएं। गुजरात की जनता को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। और जो जनादेश गुजरात की जनता ने दिया है उसका सिर झुका के हम लोग सम्मान करेंगे। और एक दृष्टि से अगर आप देखें तो गुजरात में बीजेपी जीत गई, हिमाचल में कांग्रेस जीत गई, आम आदमी पार्टी एमसीडी जीत गई, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई और आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वहां भी चुनाव हार गई, वहां समाजवादी पार्टी जीत गई। तो जनता ने एक संकेत भी दिया है। उपचुनाव के भी जो फैसले आए हैं, उड़ीसा हो या उत्तर प्रदेश हो या हिमाचल प्रदेश हो या एमसीडी का चुनाव हो, ये बड़ा संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक है, गुजरात आप अपने गढ़ में अच्छी जीत हासिल करके लाए हैं, लेकिन ये जो बाकी परिणाम है ये मत मानो कि भाजपा की वैसी ही हवा चल रही है, देश में हवा। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से जो है दिल्ली के जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, इन्होंने किस तरह से अमित शाह को करारा जवाब दिया है। जीत हार तो सबकी लगी रहती है, ये तमाम चीज़ें जो है आप लोगों ने सुना अमित शाह से, संजय सिंह से किस तरह से बता रहे हैं। इस वीडियो को दिखाने का एक ही मकसद है, जनता यदि चाह देगी पासा पलट सकती है, जनता नहीं चाहेगी तो नहीं कुछ भी जो है चेंज हो सकता है, जनता के ऊपर। गोदी मीडिया जो है उन तमाम चीज़ों को कभी कवर नहीं करती है जो एक इंसान के लिए, एक गरीब के लिए जो है लाभदायक है। गोदी मीडिया उन्हीं चीज़ों को कवर करती है जिससे पार्टी की छवि बनी रहे, पार्टी के लोग बने रहें अच्छी तरह से और भारी बहुमत से जो है
अन्य राज्यों में विजयी होती रहे। तो गोदी मीडिया को आप लोग सपोर्ट कम करिए ताकि उन सच्चाई को आप जान सकें जो सच्चाई आपके हित के लिए है। ईमानदारी पूर्वक, शक्ति शांति पूर्वक और शिक्षा संघर्ष की तरफ कदम बढ़ाते हुए इस सराहनीय कार्य के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।